नमस्ते फ्रेंड्स, सुधा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ तवा पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये काफी टेस्टी लगता है और बनाना बिल्कुल ही आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा पुलाव बनाने के लिए हमने गैस पर पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। मैं 2 चम्मच बटर डालेंगे, ये स्प्रेड होने देंगे। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, इसे चला लेंगे। इसमें 1 प्याज डालेंगे, हमने बड़े आकार का प्याज काटे हैं और इसे हमने बारीक काट लिए हैं। प्याज को डाल देंगे और हरी मिर्च है 2, इसे भी हमने बारीक काट लिया है, तो प्याज मिर्ची को साथ में डाल देंगे। प्याज को हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है। तो देखिए, प्याज को हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी थोड़ा भून लें, जिससे अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। और ये मुंबई का काफी फेमस डिश है, काफी टेस्टी लगता है, आप जरूर इसे ट्राई कीजिए। तो देखिए, अदरक और लहसुन को भी हमने भून लिया है, तो अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। हमने 1 प्याज लिया था और साथ में 2 टमाटर, तो 2 टमाटर को हमने बारीक काट लिया है, तो भी हम सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, तो अब इसमें हम फ्रोजन मटर डाल देंगे, इसे भी 1 से 2 मिनट चला लेंगे। तो देखिए, मटर को भी हमने मिला लिया है, टमाटर, प्याज और मटर भी सॉफ्ट हो चुका है, तो अब इसमें मसाले डाल देंगे। इसमें हम 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे, अगर आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो तो आप किचन किंग भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने कश्मीरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, तो 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे, इसे हमने पानी में भिंगोकर पीस लिया है। इसे भी मिला लेंगे। मसालों को हमें भूनना है 1 से 2 मिनट, जिससे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो देखिए, मसालों को हमने भून लिया है। इसमें हम बॉयल आलू डालेंगे, तो हमने 2 आलू को बॉयल करके उसका छिलका निकाल लिया है और उसे छोटे छोटे पीसेस में कर दिए हैं। तो आलू को साथ में डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और आलू डालने से काफी टेस्ट अच्छा लगता है। तो देखिए, आलू को भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लिए हैं मसालों के साथ में। इसमें नमक डाल देंगे, तो नमक स्वाद अनुसार, नमक को भी मिला लेंगे। तो देखिए, नमक को भी हमने मिला लिया है। अब इसमें उबले हुए चावल डाल देंगे। अब इसमें हम उबले हुए चावल डाल देंगे जो हमने पहले से उबाल के रखे हैं। अगर आपके पास बचा हुआ चावल है पहले से, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो इसे हमें हल्के हाथों से मिलाना है, जिससे चावल टूटे नहीं। हमारा तवा पुलाव बनकर रेडी है और एक काफी टेस्टी लगता है, तो चलिए इसे हम सर्व कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मुंबई का तवा पुलाव बनकर रेडी है और काफी टेस्टी लगता है। ये बिल्कुल 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और काफी खाने में टेस्टी लगता है, तो जरूर आप इसे ट्राई कीजिए। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।